कैसे हो सकता है? राख हुई भयंकर जिंदा कैसे हो सकती है? बताती हूँ बेवकूफ परियों, सब बताती हूँ। और मेरा पुनर्जन्म हो गया। कितनी आसानी से तुम सब लोग बेवकूफ बन गए। और तो और, मुझे अपनी रानी परी भी मान लिया। ये सब तुमने किया कैसे? ऐसी कौन सी चाल चली तुमने कि तुम रानी परी बन के यहाँ पे आई और हमें पता भी नहीं चला? बेवकूफ हो तुम लोग, अपनी दुश्मन को कमजोर समझने की भूल कर बैठती हो हर बार। लेकिन तुम्हारी दुश्मन शांत नहीं बैठती। मुझे पता चला कि परीलोक में नई रानी की नियुक्ति हुई है और रानी परी परीलोक में जल्द ही आने वाली है। फिर मैंने एक नई योजना बनाई और रानी परी को कैद करके खुद उसकी जगह ले ली। मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे जल्द से जल्द नई रानी परी को कैद करके उसकी जगह लेनी है। पर ये नई रानी परी आएगी कहां से? परियों, अब हमारे इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब से बस कुछ ही पल में हमारी नई रानी परी हमारे साथ होंगी। परियों की आवाज, रानी परी का स्वागत, इसका मतलब परियां आ गई हैं रानी परी का स्वागत करने के लिए। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। रानी परी हो रही, अभी इसको कैद करती हूँ। यहाँ पे छुपो और जैसे ही वो चूहा मानो है ना, उससे डंडे से इतने जोर से मारना कि वो कल की रेस में हिस्सा ही ना ले पाए। ओके ओके बॉस। इडियट, सॉरी सॉरी। अरे एंड टाइम पे इस मच्छर ने अपना गैरी चेंज कर दिया।
अब उन बेवकूफों को बताना पड़ेगा कि शिकार हाथ से निकल गए। राइट, रेडी रहे, मानव आ रहा है। हाँ, रेडी। अरे, सॉरी बॉस, सॉरी बॉस, इडियट क्या? बॉस सॉरी। रॉनी, अरे रॉनी, तू नीचे कैसे गिर गया? उठ, तुझे चोट तो नहीं आई ना? चोट? अरे कैश के गुब्बारे को कभी चोट लगती है क्या? हाँ, रूई का कंधे को कभी चोट लगती है क्या? अरे इडियट्स, शिकार को तो पकड़ो। हाँ, अरे मानव बच्चे, अरे मैं तो रॉनी का हालचाल पूछने आया था, तो तुम लोग मुझे सता क्यों रहे हो? सता कौन रहे, हम भी तो तेरी हेल्प ही कर रहे हैं, पर इस डंडे से। इस डंडे से मैं तेरा पैर तोड़ दूंगा, उसके बाद तू कल की रेस में पार्ट नहीं लेगा, बल्कि प्लास्टर लगा के घर पे बैठा रहेगा। नहीं, मैं बालवीर को बुलाऊंगा। बॉस, बालवीर। हाँ, तो बुला अपने बालवीर को, वो भी नहीं आएगा तुम्हारी हेल्प करने। अरे तुम्हारी हेल्प कर करके बोर हो गया वो, लंबी छुट्टी पे गया है। हाँ, अच्छा वो अभी पता चल जाएगा। बालवीर, 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 बालवीर। ये बालवीर आ क्यों नहीं रहा है हमारी मदद करने? मानव, अब तो तू पूरी तरह से गया। सॉरी सॉरी, अब क्या करें? जाने दो उसे, क्योंकि अब मुझे 100% कंफर्म हो गया कि बालवीर अब इन मच्छरों को बचाने के लिए नहीं आएगा। अब मैं अपना प्लान बी एग्जीक्यूट करूंगा और कल की रेस जरूर जीतूंगा। चलो। अरे परियों, अगर तुम में जरा सी भी बुराई होती तो तुम मुझ पे भरोसा नहीं शक करती, लेकिन तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, और इसी अच्छाई के चक्कर में तुम्हारा बेचारा मासूम सा योद्धा बालवीर अपनी जान से हाथ धो बैठा। बालवीर? हाँ, बालवीर वो किसी हादसे का नहीं, बल्कि भयंकर परी के शैतानी दिमाग की सोची समझी चाल का शिकार हुआ है। भयंकर परी, इसकी हम तुम्हें बहुत बड़ी सजा देंगे। अब तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगी भयंकर परी। परियों, चौंक गई? अच्छी और सच्ची परियां हो ना, इसीलिए चौंक रही हो। अगर तुम में जरा सी भी बुराई होती तो समझ जाती कि जयवीर भी मेरी ही कमान से निकला हुआ तीर है। चूकता नहीं है।
हमेशा सही निशाने पे लगता है। बॉस, अब तो बता दो आपके मोटे दिमाग में क्या आइडिया है? अरे होगा कोई सड़ा हुआ आइडिया। वैसे भी बॉस अच्छा आइडिया देना पसंद नहीं करते, है ना बॉस? चुप। मैं आज भी बड़ी वाली चीटिंग करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि बच्चों के बुलाने पे बालवीर आएगा या नहीं। यहाँ तो फिर पिटवाएगा हमें बालवीर से। हाँ, ये तो इतने मोटे है कि मार का असर ही नहीं होता और हमारी हड्डियाँ टूट जाती है। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा चुपचाप करो, नहीं तो इससे पहले कि बालवीर आके तुम्हें पीटे मैं तुम दोनों की चटनी बना दूंगा। नहीं नहीं नहीं, चलो बच्चों को सताते हैं। अरे बुला अपने बालवीर को। बालवीर लगता है बालवीर लंबी छुट्टियों पे गया। वो भी बच्चों की मदद कर 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 बोर हो गया होगा। अब मुझे चीटिंग करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ना होगा बालवीर और ना मिलेगी मुझे पनिशमेंट। बॉस, अब चीटिंग से सिर्फ मानव को हराओगे, लेकिन बाकी बच्चों का क्या? स्कूल का हर एक बच्चा अब से तेज भागता है। उसका भी इलाज है मेरे पास। चलो, अरे इतनी मेहनत मत करो वरना पाव में मोच आ जाएगी। हाँ वैसे ही जैसे रॉनी बॉस के दिमाग में आई हुई है। तुम सबको जान के खुशी होगी कि तुम लोग ये रेस हारने वाले हो मुझे जिताने के लिए। ये गेंडे, ज्यादा मत बोल नहीं तो मुंह में घुस के मारूंगा। ए मच्छर, तू मुझे मारेगा? हाँ बोल, मसल लू क्या तुझे? नहीं। और तुम लोग भी नाक खोल के सुन लो। बॉस, कान कान खोल के सुन लो। शट अप, कान खोल के सुन लो मच्छरों। अगर तुम लोग जानबूझ के नहीं आ रहे ना तो तुम लोग को आज के बाद पैदल चलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। लेकिन रॉनी, ये चीटिंग है, मैं अभी बालवीर को बुलाता हूँ। बालवीर, 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 बालवीर। नहीं आएगा बालवीर, कभी नहीं आएगा। इसीलिए अगर रॉनी के गुस्से से बचना है तो चुपचाप रेस हार जाना, नहीं तो
नहीं तो इसी तरह तुम लोगों की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। नहीं नहीं रोनी, हमारी हड्डियां मत तोड़ना, हम ये रेस जानबूझ के हार जाएंगे। हाँ, हाँ। तुम बच्चों, रेस शुरू करने का टाइम आ गया है, अपने अपने स्टार्टिंग लाइन पे आ जाइए। बॉस, बच्चों की फिक्सिंग तो हो गई, लेकिन अब मानव का क्या सीन है? मानव उस बेचारे का तो और भी बुरा सीन है, दिखाता हूँ। ये है चिपकू गम, इसे मैं मानो की स्टार्टिंग लाइन पे लगा दूंगा, और जैसे ही मानो इसके ऊपर पैर रखेगा ना, उसके जूते जमीन से ऐसे चिपक जाएंगे जैसे तुम दोनों पिज्जा से चिपक जाते हो। बॉस, पिज्जा का मजाक मत उड़ाओ। हाँ बॉस। इडियट्स, मजाक पिज्जा का नहीं तुम्हारा उड़ा रहा हूँ। ओके, फिर ठीक है। लेकिन बॉस, मानो जूते उतार कर भाग गया तो? धूप की वजह से तवे की तरह गर्म है जमीन, वो मच्छर 2 सेकंड भी नंगे पाँव नहीं चल पाएगा। अब देखो मेरा कमाल। बस हाँ, ऐसे ही जाओगे तो और कैसे जाऊंगा? ये कौन लगाएगा? हाँ हाँ, जल्दी से पीछे लगा दो। हाँ बस। ओए, सॉरी। यस, फंस गया मच्छर रोनी के जाल में। तो बच्चों, ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। मानो, अरे मानो, मानो For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.